अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार पुरानी दिल्ली स्टाइल का मुगलाई कोरमा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत शानदार बन के तैयार होगा और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा और साथ में ईजली भी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसको मैंने वॉश करके रख दिया है। 1 बाउल कर्ड, 2 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मैंने 4 tablespoons आमंड जो कि सोख करके पील कर लिए थे, ये कुछ पिसे हुए मसाले हैं, और ये कुछ गरम मसाले, सबसे पहले हम आमंड्स को एक ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको एक साइड रख देंगे। ये ऑनियन जो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी वो 1 bowl, और ये कुछ और गरम मसाले हैं, इसको भी मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैं मैरिनेशन के लिए कर्ड लिए और कर्ड में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें मैं वो सब सूखे मसाले, पिसे हुए जो मसाले थे वो शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लूँगी। जब ये पेस्ट तैयार हो गया है, मैं इसमें अपना चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद मैं इसको मिला लूँगी और इसको 1 hour के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई रख लिया, उसमें मैंने 1 cup full ऑयल डाला है। मैं इसमें कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ जब तक पकाऊँगी, जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। इसके फ्राई होने के बाद जब ये फ्राई होने स्टार्ट हो जाए, इसमें खुशबू आने लगे, फिर मैं इसके अंदर अपना चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूंगी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये चिकन इसमें ही अच्छे से कुक होगा। अब मैं इसमें ऑनियन शामिल करूंगी। फ्राइड ऑनियन अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें फ्राई कर सकते हैं। आमंड्स पेस्ट शामिल करूंगी, मेरे पास फ्राइड ऑनियन रहते हैं, मैं पहले से फ्राई करके रखती हूँ, आप स्टार्टिंग में ही फ्राई करके निकाल सकते हैं। अब मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है, थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब मैं इससे कुक होने तक, जब तक इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक मैं इसको कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर अमूल की फ्रेश क्रीम शामिल करूंगी जो कि 2 tablespoons है। इस पॉइंट पे आप इसमें इसको टेस्ट करके देखिएगा, अगर इसमें सॉल्ट थोड़ा कम है तो आप इसमें ऐड कर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर कुक करूंगी, उसके बाद आप इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल शानदार बनके अब रेडी हो गया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। यकीन मानिए बहुत शानदार बनके तैयार हुआ है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दुआओं में याद रखिए और एडवाइस और सजेशन में भी याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।